एंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए बारा सिवनी के सपूत शुभम राहंग डाले को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के जालंधर में ड्यूटी के दौरान 5 अक्टूबर को गश्ती करते समय लैंडमाइंस ब्लास्ट में सैनिक शुभम बुरी तरह से जख्मी हो गए। जालंधर के ही सैनिक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद की पार्थिव देह को गृहग्राम कंचनपुर लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने शहीद को नमन किया। शुभम 2017 में सेना में भर्ती हुए थे।